हेलो भैया। कैसे हो भैया? बढ़िया भैया, आप बताओ। बढ़िया। आपका नाम बताओ, फ़ोन नंबर, शोरूम की लोकेशन। भैया मेरा नाम सुमित है और मेरा मोबाइल नंबर है 8572888891। और जो शोरूम की लोकेशन रहेगी वो रहेगी अपनी रॉयल एनफील्ड शोरूम मलिक ऑटोमोबाइल्स, अपोजिट जिंदल पार्क, नियर हिसार बस स्टैंड। ठीक है। ओके भैया, ये आपका बाइक हम क्यों लें, ऐसा खास क्या आपके बाइक के अंदर? भैया जो रॉयल एनफील्ड, सबसे पहली बात, इसको रॉयल एनफील्ड को मतलब और नाम ही जाना जाता है रॉयल एनफील्ड। जो ब्रांड है ये, वो है आपका 1991 से चला आ रहा है, सिंस 1991 अप्रोक्स हो गए ब्रांड को 125 साल ऑलमोस्ट। और ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये 650 सीसी में, पहले ये बाइक आपका 1000 सीसी में भी आता था, लेकिन बहुत पुरानी बात है, वो कम से कम 30-40 साल पहले की बात है। लेकिन अभी कंपनी ने ये बाइक इंटरसेप्टर 650 सीसी में आ गया है बाइक। और इसके इंजन की अगर आप बात करें तो पैरेलल ट्विन फोर स्ट्रोक में आपको ये इंजन मिलेगा, ठीक है, और एयर ऑयल कूल्ड दोनों मिलेंगे। और जो इसका 648 सीसी में आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 6-स्पीड गियर बॉक्स में, ठीक है। पावर इस बाइक की आपको मिलेगी 47 BHP की पावर 7150 RPM पे मैक्स, और जो मैक्सिमम टॉर्क वो मिलेगा आपको 52 Nm का टॉर्क, ठीक है। और जो इसके चेसिस एंड सस्पेंशन की बात करें तो जो इसके चेसिस टाइप है वो है ट्यूबुलर स्टील फ्रेम, ठीक है। और जो फ्रंट सस्पेंशन है इसका वो है आपको मिलेगा 41 mm फ्रंट फोर्क, जो 110 mm का ट्रैवल करते हैं फ्रंट में। और जो रियर सस्पेंशन है इसका वो है ट्विन कोइल ओवर शॉक्स, 80 ट्विन कोइल, यानी जो ये आपको दोनों साइड कोइल देखने को मिल जाएगी, एक लेफ्ट साइड और एक ये जो है राइट साइड, इसलिए इसको ट्विन कोइल सस्पेंशन बोला जाता है, ठीक है। जो इसकी डायमेंशंस है व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। व्हील बेस इस बाइक का है 1400 mm, ठीक है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 650 सीसी में, यानी जो अपना सुपर मीटर 650 सीसी है उससे बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 174 mm। और जो बाइक की लेंथ है वो है 2122 mm, और जो विड्थ है बाइक की वो है 1165 mm, ठीक है। अगर इसकी सीट हाइट की बात करें अपा तो सीट हाइट इसकी है 804 mm, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इसकी। जो इसका फ्यूल टैंक है वो है इसका 13.5 लीटर का, ठीक है। ऑन एन एवरेज, ये एवरेज अगर बाइक की एवरेज की बात करें तो बाइक एवरेज निकाल देती है आराम से 22 से 25 की एवरेज ये बाइक निकाल देती है, ठीक है। और जो फ्रंट टायर है इसका वो है 190/18 का, यानी 18 इंच का टायर है इसका, ठीक है, फ्रंट का। और जो रियर का है वो है 130 का, ठीक है, 18 इंच का ही रियर का टायर है। और जो फ्रंट ब्रेक यानी ड्यूल चैनल ABS में ये आपको बाइक मिलेगा। जो फ्रंट ब्रेक के डिस्क हैं इसके वो रॉयल इनफील्ड में सबसे बड़े डिस्क ब्रेक मिलेंगे आपको, हाइट और मतलब उसके हिसाब से 320 mm के डिस्क ब्रेक है इसमें फ्रंट के। और जो रियर के हैं वो है 240 mm के, ठीक है। तो और जो इसकी हेडलाइट है वो आपको मिलेगी इसकी हेलोजन हेडलाइट 650 सीसी में आपको। बस इसमें भी आपका इंटरसेप्टर हमारे पास आया हुआ है जो अभी नया लॉन्च हुआ है 650 सीसी अलॉय व्हील और LED हेडलाइट में, वो लोग भी आप लोग आके शोरूम पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी डिजिटल क्लस्टर की थोड़ी सी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप चाबी ऑन करोगे ये आपको डिजिटल भी मिलेगा, एनालॉग भी मिलेगा। डिजिटल आपको फ्यूल इंडिकेशन वगैरह, आप लोग ये जो बीच में बटन है यहाँ से सेट कर सकते हो, Trip 1, Trip B, Trip F, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। फ्यूल इंडिकेशन मिल जाएगा, मैक्स स्पीड इस बाइक की है 170 km/h, ठीक है। और साइड में आपको मिल जाएगा RPM, फ्यूल इंडिकेशन मिल जाएगा जो इंजन ऑयल है, ABS का इंडिकेशन मिल जाएगा, इग्निशन ऑन ऑफ, ठीक है, और बैटरी इंडिकेशन मिल जाएगा, यानी अगर आपकी बैटरी लो वगैरह तो नहीं हुई है, ठीक है। तो जो इसकी बटन्स की बात करते हैं, ये आपका पासिंग लाइट का बटन, ये आपका लो बीम हाई बीम का बटन, ठीक है, और ये इंडिकेटर का, हॉर्न का बटन आ गया आपको। और 650 सीसी में आपको रॉयल इनफील्ड की इंटरसेप्टर की आवाज़ आप लोगों को सुना देते हैं। तो ये थी रॉयल इनफील्ड के 650 इंटरसेप्टर की आवाज़, ठीक है। अगर आप लोग ये बाइक की टेस्ट राइड या और ज़्यादा डिटेल्स में प्राइस वगैरह भी जानना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं।